मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए अपनी बात को कहना चाह रहा हूँ कि कल हम लोगों ने जो क्लास लिया है उसमें काफ़ी ऑब्जेक्शन मेरे सामने आया कि बहुत सही सर आवाज़ नहीं आ रही थी, बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा था ठीक से, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप मुझे थोड़ा सा सूचित करें कि मेरी आवाज़ आप तक सही रूप में पहुंच रही है। आवाज सही आ रही है और आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा कुछ? दिखाई दे रहा सर। हाँ, ये थोड़ा सा आप मुझे इंगित करते रहे क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम, कल बारिश हो रही थी तो ऐसी स्थिति में नेटवर्क की समस्या बनी थी, आज तो वो स्थिति नहीं है तो मुझे लग रहा है आज क्लास ठीक होगा। चलिए, हम कल जो अवरुद्ध हो गया था उसी को मैं रिपीट करके फिर आगे बढ़ूंगा। तो कल मैंने आपको उत्तर गुप्त के प्रमुख राजवंशों के विषय में, मतलब गुप्तोत्तर काल के प्रमुख राजवंशों के विषय में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से राजवंश कहाँ पर स्थापित हुए, जो क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आते हैं। एक बार थोड़ी सी चर्चा इस पर प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ूंगा और मुख्यतः आपको वर्धन वंश मुझे पढ़ाना है कि वर्धन वंश से क्वेश्चन उठने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो एक तरफ आपका पंजाब में गूढ़ शासक थी, ठीक है, पल्लवी में आपका मैत्रक वंश था, कन्नौज में मौखरी वंश था, मालवा और मगध में उत्तर गुप्त के शासक थे, उधर बंगाल में गौड़ शासक शशांक था, ठीक है, और फिर थानेश्वर में आपका वर्धन वंश था। ये प्रमुख वंश हमारे थे और इन्हीं प्रमुख वंशों में आपका वर्धन वंश जो है वो पुनः एक बार एक साम्राज्य बनाने की कोशिश करता है। तो ये उधर उत्तर प्रदेश के उधर कन्नौज से लेकर नीचे नर्मदा नदी तक और इधर पंजाब से लेकर आपका बंगाल के क्षेत्र तक इसका अधिकार था, ठीक है। तो बहरहाल उसको मैंने पढ़ा भी दिया था, उसके विषय में प्रमुख बातें मैंने लिखा भी दी थी। अब हम मुख्यतः आते हैं एक जो वर्धन वंश आपका है, वर्धन वंश को पुष्य भूति वंश भी कहा गया है, पुष्य भूति वंश, ठीक है। इसके संस्थापक चूंकि पुष्य भूति माना गया एक पौराणिक नाम है, ठीक है, इसका उल्लेख प्राप्त नहीं होता लेकिन इसकी जब वंशावली प्राप्त होती है तो इस वंशावली में जो प्रथम शासक है इसका वो नरवर्धन, नरवर्धन इसी को पुष्य भूत नाम से भी जाना गया है, ठीक है। दूसरा शासक इसका है राज्यवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, ठीक। तीसरा इसका शासक है आदित्यवर्धन, आदित्यवर्धन, फिर उसके बाद प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन, और उसके बाद आपके फिर राज्यवर्धन द्वितीय सेकंड, और फिर उसके बाद आपका हर्षवर्धन, ठीक है। इसके टाइम पीरियड को थोड़ा सा हम देखते हुए चलते हैं, 505 से लेकर 525 तक, ठीक। राज्यवर्धन प्रथम का 525 से लेकर 555 तक, ठीक है। उसके बाद आदित्य का 555 से लेकर 55 से लेकर 580 तक, और उसके बाद 580 से लेकर प्रभाकर वर्धन का 505 तक, ओ सॉरी 605 तक। उसके बाद इसके पुत्र राजवर्धन द्वितीय जो है उनका 605 से लेकर 606 तक, सिर्फ एक वर्ष का शासन का। और उसके बाद हर्षवर्धन जो शुरू होते हैं 606 से लेकर 647 तक, ठीक है। ये आपके प्रमुख रहे, ठीक है। तो इन्हीं को पुष्य वर्धन भी कहा गया, पुष्य वर्धन भी कहा गया है, नरवर्धन, ठीक है।
पौराणिक नाम इनका। अब हमको देखना है कि प्रथम जो तीन शासक है, जो इसके प्रथम तीन शासक है ठीक आदित्य तक, ये दोनों ये तीनों जो है महाराज की उपाधि धारण किए थे ठीक तीनों, और ये तीनों जो है आपके सूर्य के उपासक थे, सूर्य के उपासक ठीक है। उसके बाद प्रभाकर वर्धन जो आते हैं, ये जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी ठीक है। प्रभाकर वर्धन को इनकी दो उपाधियां महत्वपूर्ण है, एक उपाधि इनकी आपकी एक थोड़ा समय यहां पे रोकूंगा, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी ये नहीं था, प्रभाकर वर्धन नहीं था, ये राज्यवर्धन था ठीक है, राज्यवर्धन बौद्ध धर्म का ठीक है। यहां तक आपके सूर्य के उपासक थे ठीक है। अब हम आते हैं प्रभाकर वर्धन के विषय में, कि प्रभाकर वर्धन की दो महत्वपूर्ण उपाधियां आप देखिएगा, एक उपाधि है हूण हरिण हरिण केसरी, हूण हरिण केसरी, और दूसरी उपाधि इसकी है प्रतापशील प्रतापशील। ये दोनों उपाधियां ध्यान रखिएगा, हूण हरिण केसरी इसलिए कहा गया है कि हूण रूपी हरिण को केसरी के समान ठीक है, हूण रूपी हरिण को केसरी के समान उन पर अधिकार करने वाला, उनको परास्त करने वाला कौन व्यक्ति था, प्रभाकर वर्धन ठीक है। तीन उपाधियां ये महत्वपूर्ण है, हूण हरिण केसरी किसे कहा जाता है, वो प्रभाकर वर्धन ठीक है। प्रभाकर वर्धन के पुत्र राज्यवर्धन और उनके दूसरा दूसरे नंबर का जो पुत्र है वो हर्षवर्धन ठीक है। तो अब हमें हर्षवर्धन के विषय में ही मुख्य जानकारी रखनी है। हर्षवर्धन 606 से लेकर 647 ईस्वी, देखिए हर्षवर्धन एक ऐसा सम्राट था कि जो गुप्तों के पतन के बाद पुनः एक चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापित करने की कोशिश इसने किया था ठीक है। और इसने अपनी राजधानी, पहले ये थानेश्वरी पड़ता हरियाणा में, थानेश्वर से अपनी राजधानी कहाँ पे स्थापित किया, कन्नौज में स्थापित किया ठीक है। राजधानी इसने क्या किया, राजधानी पहला कार्य कहाँ से, थानेश्वर के स्थान पर के स्थान पर कन्नौज ठीक, ये महत्वपूर्ण कार्य इसका ठीक। इसको जो है हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, शिलादित्य, और ये किसका उपनाम था, शक्लोत्तर नाथ, शक्लोत्तर, दो नाम इसके आप समझ लीजिए। ये शक्लोत्तर नाथ जो नाम इसका है वो पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में उल्लेखित है, शक्लोत्तर नाथ कहां पे, एहोल अभिलेख, ठीक
इसकी थोड़ी सी कहानी ये है कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र राजवर्धन गद्दी पर बैठता है, लेकिन उसे गौड़ के शासक शशांक और मालवा के उत्तरगुप्त शासक मगध और मालवा के उत्तरगुप्त शासक देवगुप्त दोनों मिलकर उसे परास्त करते हैं और फिर मार डालते हैं। ठीक है, मार डालने की सूचना हर्षवर्धन को कहाँ प्राप्त हुई, किससे प्राप्त हुआ? उसके एक दूत है कुंतल नामक दूत, कुंतल जो दूत। ठीक, इसके पहले एक थोड़ी एक घटना और घटित हुई थी कि जो मालवा मगध मालवा के उत्तर गुप्त शासक थे उसमें जो एक नाम देवगुप्त आता है, देवगुप्त, इस गुप्त शासक ने मौखरी वंश के शासक ग्रह वर्मा को परास्त किया और इसे मार डाला। किसने मारा? देवगुप्त ने। कहां के शासक थे? उत्तरगुप्त के, उत्तरगुप्त के शासक। ठीक है, ग्रह वर्मा का जो विवाह हुआ था वो राज्यवर्धन हर्षवर्धन की बहन थी राजश्री, राजश्री इसके साथ इनका विवाह ग्रह वर्मा का हुआ था। और जब ग्रह वर्मा को ये मार डालते हैं और राजश्री को कैद कर लेते हैं, कहां पर? कन्नौज में। राजश्री को कन्नौज में कैद कर लेते हैं और उसी समय अब राज्यवर्धन को भी वो सब परास्त करते हैं और मार डालते हैं। इसकी सूचना जब मिलती है किसको? हर्षवर्धन को। तो हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठता है तो वह इसकी सूचना, राजवर्धन को मारे जाने की सूचना कुंतल नामक व्यक्ति ने दिया और राजश्री के कैद से भागने, ये राजश्री क्या करती है कि राजश्री कन्नौज से कैद से भागकर विंध्य पर्वत की तरफ जाती है, वह अपने को आत्महत्या करना चाहती है अग्नि में कूद कर। ठीक है, इसकी भागने की सूचना किसने दी थी? भंडी ने दी थी। भंडी जो किसका सेनापति था? हर्षवर्धन का सेनापति था और यह हर्षवर्धन का दूत था। दोनों ध्यान रखें, एक कुंतल और एक भंडी। भंडी ने सूचना दी, राजश्री भागकर कहां गई? विंध्य पर्वत की तरफ। ठीक है, कहां कैद में थी? कन्नौज में कैद में थी। ठीक, और ये फिर क्या करता है, ये जाता है और उसको अग्नि में प्रवाहित होने जा रही थी, अपने को समर्पित करने जा रही थी, तभी वह उसको रोक लेता है और उसकी जान बचा लेता है। ठीक है, ये थोड़ी सी कहानी इसकी है। इसमें एक क्वेश्चन चूंकि पीसीएस में आ चुका है कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसने राज्य हर्षवर्धन को इस बात की सूचना दी कि राजश्री कैद से भाग गई। ठीक है, और वह कौन सा व्यक्ति था जिसने राज्यवर्धन के मारे जाने की सूचना हर्षवर्धन को दी थी? ये दोनों बातें आप ध्यान रखिए, हम इस पे इसीलिए जोर दे रहे हैं। कुंतल ने राज्यवर्धन के मारे जाने की सूचना दी और राजश्री के भाग जाने की सूचना कैद से विंध्य पर्वत की तरफ भंडे ने दी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। राजश्री ने हर्षवर्धन ने अपने बड़े भाई की मृत्यु का बदला शशांक को पराजित करके लिया, जो गौड़ शासक शशांक था उसको पराजित करके लिया। और इसके बाद इसकी एक प्रमुख युद्ध इसका हुआ था इसके साथ, पुलकेशिन द्वितीय के साथ, पुलकेशिन सेकंड के साथ। ठीक है, यह युद्ध हुआ था 639 ईस्वी में। कहां पे हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर,
नर्मदा नदी के तट पर। इसकी सूचना कहाँ से मिलती है? पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से मिलती है, अभिलेख से मिलती है, एहोल अभिलेख। ठीक है, इस युद्ध में दावा करता है हर्षवर्धन, अपनी जीत का दावा करता है, और जबकि एहोल अभिलेख के द्वारा पता चलता है कि हर्षवर्धन परास्त हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि पुलकेशिन द्वितीय एक चालुक्य वंशी शासक था और उसने इसको परास्त किया था। इसके साथ शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना ये हुई। दूसरी घटना ये होती है कि 629 ईस्वी में, 629 में भेनसांग इसके शासनकाल में भारत आया। भेनसांग कब? 629 से लेकर 645 तक यह भारत में। ठीक, भेनसांग को थोड़ा सा आप लोग जान इसके विषय में जान लीजिए कि भेनसांग चीन के होनान प्रांत का रहने वाला था। भेनसांग चीन का यात्री था, चीनी यात्री था। चीन का कौन सा प्रांत था? होनान प्रांत का चीन लियू ग्राम का रहने वाला था। चीन लियू ग्राम का रहने वाला था। यह 11 वर्ष की अवस्था में, 11 वर्ष की अवस्था में बौद्ध मठ लोयंग चला गया था, लोयंग चला गया। ठीक, और फिर उसके बाद रेशम मार्ग का अनुसरण करते हुए, रेशम मार्ग वही जो कुषाण वंश के शासनकाल में था, जो कश्मीर से होकर मध्य एशिया को जोड़ता था, उस मार्ग का अनुसरण करते हुए यह जो है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में फिर वो तत्शिला, पुष्कलावती, कबशा होते हुए पंजाब होते हुए, फिर मथुरा, कन्नौज होते हुए यह आया कहाँ पर? पाटलिपुत्र। ठीक है, वहाँ तक गया था, नालंदा तक गया था। ठीक है, तो यह इसके शासनकाल में आया। नालंदा में इसने 3 वर्ष तक अध्ययन भी किया था। ठीक है, और इसकी एक पुस्तक का नाम था, इसने जो पुस्तक लिखी वह सी यू की यह पुस्तक लिखी, और भेनसांग के ऊपर जो जीवनी लिखा है वह ह्वीली ने लिखा, ह्वीली, ठीक है, ने इसका जीवन चरित्र लिखा। ठीक, भेनसांग कहता है कि नालंदा उस समय सर्वाधिक प्रमुख विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत 8 कॉलेज आसपास में चलते थे और उसमें आसपास के 100 ग्रामों का राजस्व उसको दिया जाता था। उसके शासन व्यवस्था प्रशासन को चलाने के लिए 100 गांव का राजस्व नालंदा को प्रदान किया जाता था हर्षवर्धन के समय में। ठीक है, और महायान बौद्ध धर्म का यह प्रमुख केंद्र भी रहा। ठीक है, लेकिन इसी जगह इत्सिक जब आता है 671 में, 671 में, तो वो कहता है कि नहीं, 200 गांव का राजस्व नालंदा विश्वविद्यालय को संचालित करने के लिए दिया जाता है। ये एक अंतर है, कभी कभी हो सकता है एसर्सन रीजन में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। भेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के प्रशासन को चलाने के लिए कितने गाँव का? 100 गाँव का राजस्व। इत्सिक के अनुसार 200 गाँव का राजस्व उसे प्रदान किया जाता था। ठीक है, तो ये आपके भेनसांग के विषय में, सी यू की इसकी पुस्तक है, फीली इसके जीवन चरित्र को लिखा है, और 629 से लेकर 645 तक यह यहाँ पर रहा है। ठीक है, तो यह हर्षवर्धन के काल की एक प्रमुख घटना ये भी रही। ठीक है, और उसके बाद हर्षवर्धन की काल की तीसरी जो घटना थी वो घटना क्या है कि 641 ईस्वी, ध्यान रखिएगा, और फिर उसके बाद 643 और 646, ये दोनों ईस्वी, इस ईस्वी में इसने एक दूत जो है, हर्षवर्धन ने एक दूत कहाँ? चीन के थांग सम्राट के यहाँ भेजा। ठीक है, और 643 और 646 में चीनी शासक ने अपने दूत को हर्षवर्धन के दरबार में, चीनी शासक का दूत हर्षवर्धन के दरबार में आया। ठीक है,
ये चीज ध्यान रखिएगा, पहला 641 और दूसरा दो आपको क्वेश्चन है 643 और 646 का, ठीक है। यहाँ इसने भेजा था चीनी सम्राट के यहाँ, और इसके बाद दो वर्ष में इसके दूत इसके यहाँ आए, ठीक है। एक तीसरी प्रमुख घटना हुई, पहली घटना मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध, वो पराजित होता, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि एक आपके हर्षवर्धन के समय में वेनसांग आया, वेनसांग ने यहाँ की बातों को यहाँ के विषय में लिखा, ठीक है। उसके बाद एक दूत का आदान प्रदान हुआ। एक प्रमुख घटना और इसके शासनकाल की है कि इसमें यह जो है हर्षवर्धन बुद्ध का, सूर्य का और शिव का ये प्रमुख उपासक था, प्रमुख ये देवताओं का उपासक था, ठीक है। तो 635 ईस्वी में 635, ठीक है, इसने क्या किया, प्रयाग में जहां हम लोग रह रहे हैं प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाया। महामोक्ष परिषद का आयोजन कहां पे करवाया, प्रयागराज में। ये छठा महामोक्ष परिषद था, छठे नंबर का, ठीक है। इस महामोक्ष परिषद में 18 देश के शासकों ने भाग लिया था, ठीक है, और यह 75 डेज तक चला, 75 दिन तक चला। और इसमें हर्षवर्धन ने बहुत कुछ दान दिया था, कहा जाता है कि इसने अपने शरीर के समस्त वस्त्रों को, ठीक है, आभूषण को यहाँ दान दे दिया था। यह क्या करता था, प्रति पांचवें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था। इस आयोजन में महत्वपूर्ण था, इस आयोजन में इसने सबसे पहले क्या किया, बुद्ध की, उसके बाद सूर्य की और उसके बाद शिव की पूजा की, शिव की पूजा, ठीक है। यह विद्वानों का आश्रयदाता था और वह खुद भी एक बहुत बड़ा विद्वान था। इसकी तीन पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध हैं, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ठीक है। इसके दरबार में बाणभट्ट, मयूर, दिवाकर ये सब निवास करते थे, ठीक है, प्रमुख जो कवि थे। तो यह आगे चलते हैं, हर्षवर्धन जो है साहित्य का प्रेमी था। इसने तीन पुस्तकें लिखी, कौन सी, नागानंद, ये नाम याद रखिएगा जरूर, रत्नावली और प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। देखिए प्रियदर्शिका इसका एक ऐसा नाटक था कि ये तीनों नाटक है, ठीक है, प्रियदर्शिका एक ऐसा नाटक था कि जिसमें कथानक के अंदर एक कथानक व्याप्त था, यानी कि जो कथा थी उसके अंदर एक उप कथा, मुख्य कथा के अंदर एक उप कथा लिखने का प्रयोग पहली बार कहां पे हुआ था, प्रियदर्शिका में हुआ था, प्रियदर्शिका में, ठीक है। ये इसके प्रमुख होते, और इसने जो संरक्षण दिया था विद्वानों को उनका क्या नाम था जरा देखिए, पहला इसका दरबारी कब था, बाणभट्ट, ठीक है। उसके बाद मयूर, दिवाकर और मतंग, ठीक, इसके दरबार में निवास करते थे। और बाणभट्ट की ये प्रमुख रचना आपको पता होगा, बाणभट्ट की हर्ष चरित। इसके साथ साथ बाणभट्ट ने कादंबरी, ठीक है, और एक दो रचनाएं इनकी और भी हैं, लेकिन मुख्यतः आपके बाणभट्ट की हर्षचरित। और हर्षचरित में क्या किया गया था, हर्षचरित पहली बार इसका जो मुख्य विषय था, ठीक है, वह मुख्य विषय राज परिवार से निकलकर समाज के लोगों को इसने अपने उसका विषय बनाया था, प्रतिपाद्य का, अपने कथानक का विषय समाज के लोगों को बनाया था। और फिर उसके बाद इसने हर्षचरित
लिखा है, ठीक है। और हर चरित्र 8 उच्छ्वासों में बटा है, उच्छ्वास में बटा, ठीक है। हर चरित्र जैसे उच्छ्वास को कह सकते हैं अंक, कितने अंकों में, ठीक है। तो यहाँ उच्छ्वास शब्द का प्रयोग किया गया है कि 8 उच्छ्वासों में हर चरित्र को बटा, ठीक है। तो यह प्रमुख बातें इसके शासनकाल से संबंधित रही हैं। हर्ष के बारे में कहा जाता है, इसका थोड़ा सा प्रशासन आप देख लीजिएगा, कभी हो सकता है पूछ ले। यह आपके पूरे राजस्व का 1/4 भाग राजकीय कार्यों के लिए, 1/4 भाग आपके विद्वानों के लिए, 1/4 भाग आपका धर्म कार्य के लिए, और 1/4 भाग अपने सामंतों के लिए यह खर्च करता था, ठीक है। यानी कि पूरे राजस्व का 1/4 इसने बांट दिया था, किसके लिए, पहला धर्म के लिए, विद्वानों के लिए, सामंतों के लिए और राजकीय कार्यों के लिए, ठीक है। इसके शासनकाल में जो पदाधिकारी थे उसका थोड़ा सा उल्लेख हम यहाँ पे कर देते हैं, बस ज्यादा पदाधिकारी की बात नहीं आती है। एक नाम है अवंति, ठीक, दूसरा नाम है कुंतल, तीसरा नाम है अश्कंदगुप्त, अश्कंदगुप्त, ठीक है, और एक है सिंहनाद, सिंह। ये चार पदाधिकारी को आप देखिएगा, अवंति जो है युद्ध और शांति का मंत्री था, ये पद जो है युद्ध और शांति का मंत्री कहलाता था, क्या कहलाता था, अवंति कहलाता था। और सिंहनाद जो है वह सेनापति था, सेनापति था। अश्कंदगुप्त ये जो है आपका हस्ती सेना का प्रमुख था, हाथियों की सेना का प्रमुख, हस्त सेना का प्रमुख, ठीक। और उसके बाद कुंतल जो है वह अश्व सेना का प्रमुख था, अश्व सेना का प्रमुख, ठीक है। इसको आप देख लीजिए थोड़ा सा, अवंति युद्ध और शांति का मंत्री, कुंतल अश्व सेना का प्रमुख, अश्कंदगुप्त हस्त सेना का प्रमुख, और सिंहनाथ आपका सेनापति कहलाता था, ठीक है। अब हम जो चर्चाएं थी हर्षवर्धन के विषय में, वो करीब करीब हमने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। यहीं पर यह मेरा वर्धन साम्राज्य समाप्त होता है, ठीक है। वर्धन साम्राज्य के बाद हम देखते हैं कि 8वीं और 9वीं शताब्दी में, ठीक है, यहाँ तक आते आते पूरा उत्तर भारत और दक्षिण भारत भी करीब करीब वो कई खंडों में विभक्त हो जाता है फिर, ठीक। अभी तो यहाँ कम ही संख्या है, आगे चलकर वो कई खंडों में विभक्त होता है, छोटे छोटे क्षेत्रों पर आपकी जो राजवंश स्थापित होते हैं वो राजपूत वंश के नाम से जाने जाते हैं। ये पूरा काल 800 से लेकर 1200 तक का जो काल है वो राजपूत वंश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इस काल में आपस में लोगों के बीच युद्ध होता रहा, ठीक है। और इसके साथ साथ इसी काल में हमारे मुस्लिम आक्रमण की शुरुआत भी होती है राजपूत काल, ठीक है। तो हम इसके बाद चलते हैं आपके राजपूत काल, या इसको कहा जाता है 800 से लेकर 1200 ईस्वी तक, इसको कहा जाता है पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ, शक्ति का केंद्र जो पहले इसके बहुत पहले या गुप्त काल तक शक्ति का केंद्र जो मगध हुआ करता था, अब वो कहाँ शिफ्ट हो गया, कन्नौज, ठीक है, कन्नौज प्रमुख हो गया। क्योंकि जैसे मगध ने व्यापारिक मार्ग पर अपना अधिकार स्थापित किया था, उसी तरीके से कन्नौज जो एक व्यापारिक मार्ग का प्रमुख बिंदु यहाँ पर आता है, यहीं से सारे रास्ते एक दूसरे से आगे जाते हैं। जो नियंत्रण स्थापित कर लेता है वह उत्तर भारत पर राजनीतिक शक्ति के रूप में अपनी शक्ति को स्थापित करने में सफल हो जाता है, ठीक। तो कन्नौज एक प्रमुख पार्ट बना। आपने देखा
कि थानेश्वर से वर्धन वंश ने अपनी राजधानी कन्नौज स्थापित कर ली थी, ठीक है, शिफ्ट कर लिया था। अब यहाँ कन्नौज को लेकर ही हमारा प्रमुख विवाद चलता रहा, कन्नौज पर अधिकार यानी कि उत्तर भारत पर अधिकार का श्री गणेश माना जाता था, ठीक है। अब कन्नौज यहाँ पर जो राजपूत कालीन हमारे वंश स्थापित होते हैं उन वंशों के विषय में थोड़ा सा आप देख ले कौन कौन से वंश हैं, ठीक है। आप लोग एक काम करिएगा, कालम बनाइए राजवंश, राजधानियाँ और उसके संस्थापक, ये अगर हो जाता है तो फिर हम आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो आप तीन कालम बनाइए, ये कालम आपका राजवंश, ठीक, दूसरा कालम आपका राजधानी, तीसरा कालम आपका संस्थापक, ठीक है। ये तीनों कालम आप लोग देख लीजिए। अभिलाषा जी, हमने कहा अभी तक ठीक रहा सब? हाँ सर, सही है। मतलब आवाज और बोर्ड ठीक रहा ना?